मेल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स मॉड्यूल 6 के इस हिस्से में आप सीखेंगे कि एड्रेस बुक क्या होती है, एड्रेस बुक में एड्रेसेस को ऐड, डिलीट और अपडेट कैसे किया जाता है, एड्रेस बुक को यूज करते हुए कैसे एक या एक से ज्यादा लोगों को ईमेल सेंड की जाती है, मेल फोल्डर कैसे बनाया जाता है, मेल फोल्डर से मैसेज कैसे सर्च किया जाता है, किसी मेल फोल्डर से कैसे मेल्स को मूव किया जाता है, सॉर्टिंग क्या होती है और मैसेजेस को कैसे सॉर्ट किया जाता है। इंट्रोडक्शन। इस लेसन में हम ईमेल को मुख्तलिफ तरीकों से मैनेज करना सीखेंगे। जब हम अपने ईमेल प्रोग्राम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अगर इनबॉक्स या सेंट आइटम वगैरह के फोल्डर्स में बहुत तादाद में मैसेजेस स्टोर हो जाएं, तो एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि इनको मुख्तलिफ तरीकों से मैनेज कर लें। मसलन, आप मुनज्जम तरीके से स्टोर करने के लिए नए फोल्डर्स क्रिएट कर लें और इनमें अपने मैसेजेस को स्टोर कर लें। इसके अलावा गैर जरूरी मैसेजेस को डिलीट कर लें, अपने मैसेजेस को हार्ड डिस्क में फाइल की सूरत में सेव कर लें वगैरह। आइए अब हम ईमेल मैसेजेस को मैनेज करना सीखते हैं। डिस्प्ले सेटिंग्स। जैसा कि आपने दूसरे मॉड्यूल में विंडो के साइज को एडजस्ट करना सीखा था, वैसे ही हम आउटलुक एक्सप्रेस की स्क्रीन या विंडो को मुख्तलिफ साइजेस में देख सकते हैं। आउटलुक की विंडो के साइज को आप छोटा, बड़ा, मिनिमाइज या फिर फुल स्क्रीन कर सकते हैं। ये बटन जिस पर माइनस का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करके अपना पेज मिनिमाइज कर सकते हैं। आप क्रॉस के साथ वाले बटन रीस्टोर को क्लिक करके पहले वाले साइज पर ला सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी का साइज करना चाहते हैं तो पेज के निचले कॉर्नर पर माउस पॉइंटर ले जाएं और क्लिक करके माउस को ड्रैग करें और अपनी मर्जी के साइज पर ले जाकर छोड़ दें। यूं आपकी विंडो का साइज अपनी मर्जी का हो गया। मॉडिफाई टूल बार डिस्प्ले। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का टूल बार डिस्प्ले भी इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसा ही होता है और इसकी सेटिंग्स भी ऑलमोस्ट वैसी ही है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में भी मेन्यू बार पर मुख्तलिफ टैब्स को लाया या गायब किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए रिबन एरिया में खाली जगह पर राइट क्लिक करते हैं। जो लिस्ट ओपन हुई है वहां से कस्टमाइज द रिबन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने आउटलुक ऑप्शंस की नई विंडो खुल गई है। इस वक्त मेन टैब के नीचे जितने टैब्स स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं उनमें से कुछ के आगे टिक मार्क लगा हुआ है। इस लिस्ट में अगर आप किसी ऐसे टूलबार के नाम पर क्लिक करें जिसके आगे टिक मार्क नहीं लगा हुआ, यानी वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो वो अब स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसा कि हम अभी डेवलपर पर क्लिक कर रहे हैं, अगर किसी टूलबार के आगे टिक मार्क लगा हो तो उस पर क्लिक करने से वो टूलबार स्क्रीन से हट जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, व्यू के आगे अब एक टिक मार्क लगा हुआ है। जब हम व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए व्यू की टैब स्क्रीन से गायब हो गई है और डेवलपर का टैब डिस्प्ले हो गया है। एड्रेस बुक। इस सेक्शन में हम ईमेल प्रोग्राम में एड्रेस बुक क्रिएट करने का तरीका सीखते हैं। इसके लिए पहले हम एड्रेस बुक को एक मिसाल से सीखते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और कॉलीग्स के नाम, एड्रेस, फोन नंबर्स वगैरह रिकॉर्ड रखने के लिए डायरी यकीनन इस्तेमाल करते होंगे। इसका फायदा ये होता है कि आपको अपने जानने वालों के एड्रेसेस वगैरह याद नहीं रखने पड़ते और डायरी की मदद से आप बआसानी किसी एड्रेस को देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ईमेल प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स के ईमेल एड्रेसेस को याद रखना एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। ईमेल प्रोग्राम आपको ये फैसिलिटी मुहैया करते हैं कि आप अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स की ईमेल एड्रेसेस को याद रखने के बजाय उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं। इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में एड्रेस बुक को क्रिएट करने का तरीका सीखते हैं। एड्रेस बुक बिल्कुल एक डायरी की तरह काम करती है जिसमें आप अपने कॉन्टैक्ट्स के नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह सेव कर सकते हैं। फिर जरूरत पड़ने पर इन एड्रेसेस को दोबारा टाइप करने के बजाय एड्रेस बुक से इस इंफॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं।
लेकिन एक एड्रेस बुक कैसे बनाई जाती है, इसमें रिकॉर्ड कैसे स्टोर किए जाते हैं, आइए इसे सीखते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को स्टार्ट करते हैं। इसका तरीका हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आउटलुक के अंदर एड्रेस बुक एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम नेम्स, ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेसेस वगैरह सेव कर सकते हैं। अब हम एड्रेस बुक क्रिएट करने के मुख्तलिफ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहले हम टूल्स मेन्यू को ओपन करते हैं। एड्रेस बुक में बहुत से तरीकों से एड्रेसेस ऐड किए जाते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में किसी भी ईमेल एड्रेस पर राइट क्लिक करते हैं और सब मेन्यू से ऐड टू कॉन्टेक्ट्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नई विंडो आ गई है जिसमें इस ईमेल से मुतालिका कुछ इन्फॉर्मेशन यानी ईमेल, नेम वगैरह पहले से ही मौजूद हैं। हम इसमें मजीद इन्फॉर्मेशन का इजाफा कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद हम सेव एंड क्लोज के बटन को प्रेस करते हैं। इस तरह ये ईमेल एड्रेस एड्रेस बुक में सेव हो गया है और हम बाद में एड्रेस बुक को यूज करते हुए इस ईमेल एड्रेस पर मेल सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम होम के टैब में न्यू आइटम पर क्लिक करते हैं तो जो लिस्ट ओपन हुई है इसमें से हम कॉन्टैक्ट पर क्लिक करते हैं। अब हमारे पास फिर वही कॉन्टैक्ट की विंडो आ जाती है जिसमें जरूरी इन्फॉर्मेशन फिल करके हम कॉन्टैक्ट लिस्ट बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट ग्रुप, पहले हम ये देखते हैं कि कॉन्टैक्ट ग्रुप क्या होता है। कॉन्टैक्ट ग्रुप एक सब एड्रेस बुक की तरह है जिसमें हम उन तमाम लोगों के नाम और ईमेल एड्रेसेस वगैरह सेव करते हैं जिनको हमने इकट्ठे ईमेल भेजनी हो और उसे एक नाम दे देते हैं। इसे कॉन्टैक्ट ग्रुप कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि कॉन्टैक्ट ग्रुप कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम नेविगेशन पैन से कॉन्टैक्ट्स के फोल्डर पर क्लिक करते हैं। अब होम टैब में मौजूद इस न्यू कॉन्टैक्ट ग्रुप की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने कॉन्टैक्ट ग्रुप का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। यहाँ हम पहले नेम के सामने इस ग्रुप का ये नेम टाइप करते हैं। इसके बाद ऐड मेंबर्स के बटन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक लिस्ट ओपन हुई है जिसमें मेंबर्स को ऐड करने के लिए तीन ऑप्शंस दी हुई हैं। यानी हम आउटलुक कॉन्टैक्ट से, एड्रेस बुक से या न्यू ईमेल पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। हमारे सामने आउटलुक में सेव किए गए कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट आ गई है। यहाँ से हमने जिन ईमेल्स का ग्रुप बनाना है इनको बारी बारी सिलेक्ट करते हैं और नीचे से मेंबर्स के बटन को दबाते जाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद हम ओके के बटन को प्रेस कर देते हैं। इस तरह तमाम सिलेक्टेड ईमेल्स हमारे बनाए गए ग्रुप में ऐड हो गए हैं। यहाँ से सेव एंड क्लोज के बटन को दबाकर इस अमल को कंप्लीट करते हैं। अब हम कॉन्टैक्ट ग्रुप का इस्तेमाल देखते हैं। इसके लिए हम होम की टैब से न्यू ईमेल पर क्लिक करते हैं। यहाँ से टू पर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एड्रेस बुक ओपन हो गई है। अब जिन एड्रेसेस पर ईमेल भेजना हो उनको एक एक करके सिलेक्ट करते हैं और नीचे से टू पर भी बारी बारी क्लिक करके ऐड करते जाते हैं। इसके बाद हम ओके का बटन प्रेस करते हैं। ये देखें, हमारे न्यू ईमेल मैसेज में टू के सामने वो सारे ईमेल्स आ चुके हैं और हमें उनको टाइप नहीं करना पड़ा। इसी तरह हम सीसी और बीसीसी के सामने भी एड्रेस बुक से कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। रिमूविंग अ कॉन्टैक्ट, जिस तरह हमने एड्रेस बुक्स में मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट्स के मेल एड्रेस को ऐड करना सीखा, इसी तरह हम मेल एड्रेस को डिलीट भी कर सकते हैं। आइए इसे सीखते हैं। इस वक्त हमारे सामने आउटलुक का प्रोग्राम ओपन है। इसमें सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट्स के फोल्डर पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम कॉन्टैक्ट्स की विंडो में इस कॉन्टैक्ट ग्रुप पर डबल क्लिक करते हैं जिसमें हमने कॉन्टैक्ट डिलीट करना है। हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है।
अब हम इस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसको हमने डिलीट करना है। इसके बाद हम ऐड मेंबर्स के साथ बने इस बटन पर क्लिक करते हैं जिस पर रिमूव मेंबर लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि ऐसा करने से सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट फौरन रिमूव हो गया है। हम इसी तरीके से एक से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले हमें उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम पूरी एड्रेस बुक को डिलीट करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। हम इस एड्रेस बुक को डिलीट करने के लिए इस बटन पर क्लिक करते हैं जिस पर डिलीट ग्रुप लिखा हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, एक कन्फर्मेशन मैसेज आ गया है जो हमसे इस ग्रुप को डिलीट करने के लिए कन्फर्म कर रहा है। हम यस पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि वो कॉन्टैक्ट ग्रुप फौरन डिलीट हो गया है। न्यू ईमेल फोल्डर। इस सेक्शन में हम ईमेल मैसेजेस को मैनेज करने के लिए आउटलुक प्रोग्राम में नया फोल्डर क्रिएट करने का तरीका सीखते हैं। पहले हम एक मिसाल के जरिए ये देखते हैं कि फोल्डर क्या होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लाइब्रेरी में किताबें एक जगह इकट्ठी पड़ी होने की बजाय सब्जेक्ट वाइज मुख्तलिफ कबर्ड्स में पड़ी होती हैं, जिससे हमें किसी भी किताब को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह अगर हम तमाम आने वाले मैसेजेस को इनबॉक्स के फोल्डर में रखें तो एक ही फोल्डर में मैसेजेस की तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी और इसमें मखसूस मैसेजेस को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका अच्छा हल ये है कि हम ईमेल मैसेजेस को लाइब्रेरी बुक्स की तरह एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अलहदा अलहदा फोल्डर्स में रखें। आउटलुक में अपने मैसेजेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप जितने फोल्डर्स चाहें क्रिएट कर सकते हैं, फिर इसमें अपनी मर्जी के ईमेल मैसेजेस को सेव कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे होता है, आइए इसे सीखते हैं। सबसे पहले हम नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए आउटलुक की मेन स्क्रीन से फोल्डर के टैब पर क्लिक करते हैं। अब फोल्डर के टैब में मौजूद इस न्यू फोल्डर की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब हमें ये डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है। हमने यहाँ ये बताना है कि नए फोल्डर का नाम क्या होगा और वो किस लोकेशन पर सेव होगा। हम इस डायलॉग बॉक्स के फोल्डर नेम के बॉक्स में ये नाम लिखते हैं, यानी हम इस नाम से फोल्डर नेम बनाना चाहते हैं। फोल्डर कंटेंट्स के सेक्शन में हमें ये बताना है कि इस फोल्डर में किस किस्म की इन्फॉर्मेशन होगी। अगर हम मेल मैसेजेस के अलावा कुछ और स्टोर करना चाहते हैं तो हम इस एरो पर क्लिक करते हैं। आप इस लिस्ट में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। हम फिलहाल मेल एंड पोस्ट आइटम्स को ही सिलेक्टेड रहने देते हैं। इसके आखिरी सेक्शन में हमने ये बताना है कि इस फोल्डर को कौन सी लोकेशन पर रखना है। इस वक्त हमें मुख्तलिफ फोल्डर्स के नाम नजर आ रहे हैं। हम यहाँ से पर्सनल फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, यानी हम इस फोल्डर को पर्सनल फोल्डर में सेव करना चाहते हैं। आखिर में हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा बनाया हुआ फोल्डर हमें पर्सनल फोल्डर की लिस्ट में यहाँ पर नजर आ रहा है। मूविंग मैसेज टू अदर फोल्डर। हम आउटलुक के अंदर ईमेल्स को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में भी मूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे करना है। हम इनबॉक्स में इस मैसेज पर राइट क्लिक करते हैं और फिर सब मेन्यू से मूव पर माउस पॉइंटर को लेकर जाते हैं। जो लिस्ट हमारे सामने आई है इसमें से अदर फोल्डर पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने मूव आइटम्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ से हम इस फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं जहाँ हमने इस ईमेल को मूव कराना है। हम यहाँ से जंक ईमेल को सिलेक्ट करते हैं और फिर ओके का बटन दबाते हैं। अब ये देखिए, वो ईमेल हमें इनबॉक्स में नजर नहीं आ रही। हम नेविगेशन पैन से जंक ईमेल के फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें, वही ईमेल हमें यहाँ कंटेंट एरिया में नजर आ रही है। ईमेल सॉर्टिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉर्टिंग से क्या मुराद है। सॉर्टिंग से मुराद मेल बॉक्स में मैसेजेस की तरतीब दुरुस्त करना है, यानी मैसेजेस को किसी खास तरतीब के मुताबिक सेट करना। आप मैसेजेस को बाय डेट, बाय सब्जेक्ट, बाय साइज वगैरह के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। इसको करने के लिए हम कंटेंट एरिया में सर्च बॉक्स के नीचे यहाँ अरेंज बाय पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं
कि हमारे सामने बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं और इसमें डेट पर पहले से क्लिक किया हुआ है। हम इसमें से अपनी मर्जी की तरतीब दे सकते हैं। मसलन हम यहाँ से फ्रॉम पर क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारी ईमेल्स सेंडर के हिसाब से तरतीब में आ गई हैं। इसी तरह अरेंज बाय मेन्यू में से अटैचमेंट पर क्लिक करने से दो फोल्डर्स बन गए हैं। विद अटैचमेंट में ऐसे मैसेजेस हैं जिनमें तमाम ईमेल मैसेजेस के साथ कोई फाइल अटैच्ड है, जबकि नो अटैचमेंट में ऐसे मैसेजेस हैं जिनके साथ कोई फाइल अटैच्ड नहीं है। इसी तरह हम और दूसरी ऑप्शंस को इस्तेमाल करके अपने मैसेजेस को डिफरेंट तरीकों से सॉर्ट कर सकते हैं। मैसेज टैगिंग। ईमेल टैगिंग का मतलब है कि हम किसी ईमेल पर ऐसा एक निशान लगा दें जिससे हमें इस ईमेल की प्रायोरिटी या इम्पोर्टेंस का पता चले। इसके अलावा इन ईमेल्स के फॉलो अप के हवाले से भी निशान लगाए जाते हैं। प्रायोरिटी किसी मैसेज की वैल्यू या अहमियत को कहा जा सकता है, यानी कौन सा मैसेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पहले सेंड होना चाहिए। हम इस वक्त होम टैब से न्यू ईमेल पर क्लिक कर रहे हैं। अब इस मैसेज की हाई प्रायोरिटी सेट करने के लिए मैसेज टैब में मौजूद हाई इम्पोर्टेंस पर क्लिक करते हैं। अब आपके मैसेज की प्रायोरिटी हाई सेट हो गई है। और अगर हम इसकी प्रायोरिटी कम करना चाहते हैं तो लो इम्पोर्टेंस के बटन को प्रेस करते हैं। इसके अलावा आप अगर किसी मैसेज को किसी और टाइम के लिए छोड़ना चाहें तो फ्लैग के साथ फॉलो अप वाला बटन प्रेस करेंगे। अब हम मैसेजेस को फ्लैग लगाना सीखते हैं, लेकिन इसके लिए पहले हम ये देखते हैं कि फ्लैग से क्या मुराद है। एक ऑफिस में काम करने के दौरान जब आपको मेल्स मौसूल होती हैं तो उनको पढ़ने के बाद आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। एक तो ये कि कुछ ऐसी मेल्स होती हैं जिनको फौरन जवाब देना होता है, जबकि कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जिनको आप कुछ अरसे के बाद जवाब दे सकते हैं। आप उनको मुख्तलिफ तरीकों से ऑर्गेनाइज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जब हमें ईमेल बॉक्स में ईमेल्स मौसूल होती हैं तो उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जिनको फौरन जवाब देना होता है और कुछ को बाद में। ऐसा भी हो सकता है कि आप इन अर्जेंट मैसेजेस का जवाब देना भूल जाएं या किसी ज़रूरी मैसेज को पढ़ना भूल जाएं। इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए हम ईमेल प्रोग्राम्स के एक इम्पॉर्टेंट फीचर फ्लैग को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैसेजेस हमारे लिए बहुत अहम हैं और जिनका हमने फौरी जवाब देना होता है तो उसके लिए हम उन पर फ्लैग लगा लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें एक रिमाइंडर मौसूल होता है जिसमें हमें ये याद दहानी कराई जाती है कि हमने इस मैसेज को कब जवाब देना है या कब पढ़ना है वगैरह। आइए अब हम ये सीखते हैं कि मैसेज पर फ्लैग कैसे लगाया जाता है। हम आउटलुक में फ्लैग लगाने का तरीका सीखते हैं। इसके लिए पहले हम इस प्रोग्राम को ओपन करते हैं। इस वक्त हमारे सामने आउटलुक के इनबॉक्स का फोल्डर पहले से ओपन है। हम इनबॉक्स के मैसेजेस में से किसी मैसेज पर फ्लैग लगाना चाहते हैं। इसके लिए हम इनबॉक्स के उस मैसेज को सेलेक्ट करते हैं जिस पर हम फ्लैग लगाना चाहते हैं, फिर उसके बाद होम की टैब से फॉलो अप को क्लिक करते हैं। हमारे सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो गई है। यहाँ से हम एड रिमाइंडर पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें सबसे पहले हम फ्लैग टू की ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करते हैं। इसमें हमने ये बताना है कि हमने किस पर्पस के लिए फ्लैग ऐड करना है। फॉरवर्ड, नो रिस्पॉन्स, रीड या रिप्लाई वगैरह के लिए हम यहाँ से रिप्लाई को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट डेट के बॉक्स को क्लिक करते हैं और दिए गए कैलेंडर में से उस डेट का इंतखाब करते हैं जिस दिन हमें इस ईमेल का जवाब देना है। हम यहाँ से इस डेट को सिलेक्ट करते हैं। ड्यू डेट वो तारीख है जिस दिन इस ईमेल का जवाब हर सूरत लाजमी है। हम इसमें से भी स्टार्ट डेट वाली तारीख को सिलेक्ट करते हैं। अब हम रिमाइंडर की ऑप्शन को मार्क करते हैं और इस दफा हम ड्यू डेट से एक दिन पहले की रिमाइंडर डेट को सिलेक्ट करते हैं ताकि हमें एक दिन पहले रिमाइंडर मिल सके कि हमने इस ईमेल का जवाब देना है। इसके बाद हम टाइम सेट करने के लिए
इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करते हैं। यहाँ से हम रिमाइंडर के टाइम को सिलेक्ट करते हैं और आखिर में ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। ओके प्रेस करने से रिमाइंडर सेट हो जाता है और साथ ही डायलॉग बॉक्स भी क्लोज हो जाता है। अब हमें रीडिंग पैन में से ये पता चल रहा है कि इस पर जो फ्लैग सेट किया है इसकी डेट और टाइम वगैरह क्या है। जैसे ही मुकर्रा टाइम पर हमारे पास रिमाइंडर जाहिर होता है तो इसमें एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसमें कुछ अहम ऑप्शंस नजर आ रही हैं। सबसे पहले डिसमिस ऑल का बटन है, यानी तमाम रिमाइंडर्स को डिसमिस कर दिया जाए। इसके बाद ओपन आइटम का बटन है, इसको प्रेस करने से मतलूबा मैसेज जिसके लिए हमने रिमाइंडर लगाया था खुल जाएगा। और तीसरा बटन डिसमिस का है, जिसका मतलब है कि मतलूबा रिमाइंडर को डिसमिस कर दिया जाए। इसके बाद क्लिक स्नूज टू बी रिमाइंडेड अगेन है, जिसका मतलब है कि इस रिमाइंडर को कुछ देर बाद दोबारा एक्टिवेट कर दिया जाए, जिसका टाइम हम ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इस फ्लैग को खत्म करना चाहते हैं तो इस मैसेज पर राइट क्लिक करते हैं और फिर क्लियर फ्लैग पर क्लिक करते हैं, जिससे फ्लैग हमारे मैसेज से रिमूव हो जाएगा। डिलीटिंग अ मैसेज। इस सेक्शन में ईमेल मैसेजेस को मैनेज करने के लिए गैर जरूरी मैसेजेस को डिलीट करना सीखते हैं। हम गैर जरूरी ईमेल मैसेजेस को बहुत आसानी से डिलीट कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम उस मैसेज को सिलेक्ट करते हैं जिसको डिलीट करना है। मसलन हम इनबॉक्स से इस मैसेज को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम इस मैसेज पर राइट क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये सब मेन्यू ओपन हो गया है। हम इसमें से डिलीट की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि सिलेक्टेड मैसेज फौरन डिलीट हो गया है और कोई कंफर्मेशन मैसेज नहीं आया, लिहाजा हमें इस ऑप्शन को बहुत एहतियात से अप्लाई करना चाहिए। आप एक से ज्यादा मैसेजेस को भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन पहले इन मैसेजेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने मैसेजेस को डिलीट करना तो सीख लिया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमने गलती से किसी ऐसे मैसेज को डिलीट कर दिया हो जिसको हम डिलीट नहीं करना चाहते। घबराइए नहीं, हम जिन ईमेल मैसेजेस को डिलीट कर देते हैं वो परमानेंटली डिलीट नहीं होते, बल्कि वो एक फोल्डर जिसका नाम डिलीटेड आइटम्स हैं, इसमें मूव हो जाते हैं। हम डिलीटेड आइटम्स के फोल्डर से उन मैसेजेस को अनडिलीट कर सकते हैं। आइए इसको सीखते हैं। सबसे पहले हम नेविगेशन पैन में से डिलीटेड आइटम के फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं। अब हमें कंटेंट एरिया में डिलीटेड मैसेजेस नजर आ रहे हैं। हम इस मैसेज को सिलेक्ट करते हैं जिसको हमने अनडिलीट करना है। फिर हम इस मैसेज पर राइट क्लिक करते हैं। जो सब मेन्यू नजर आ रहा है इसमें से हम मूव की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये लिस्ट ओपन हो गई है। यहाँ हमने ये बताना है इस डिलीट किए हुए मैसेज को किस फोल्डर में लेकर जाना है। हम इनबॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम इनबॉक्स के फोल्डर पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा डिलीट किया हुआ मैसेज दोबारा से इनबॉक्स में नजर आ रहा है। समरी। इस लेसन में आपने देखा कि एड्रेस बुक एक ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जहां हम नेम्स, ईमेल एड्रेसेस, पोस्टल एड्रेसेस वगैरह सेव करते हैं। एड्रेस बुक में कैसे एड्रेसेस ऐड या डिलीट किए जाते हैं, मैसेजेस की सॉर्टिंग या तरतीब के मुख्तलिफ तरीकों के बारे में जाना और ये जाना कि मैसेज की प्रायोरिटी कैसे सेट की जाती है। इस सेशन की तकमील के साथ ही हमारे मॉड्यूल का इख्तिताम होता है। अगर आप किसी लेसन को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप इंडेक्स एरिया पर जाकर इस पर क्लिक कर सकते हैं। उम्मीद है कि VUCPL के ट्रेनिंग का ये सिलसिला आपको अपने कंप्यूटर के बेहतर इस्तेमाल में मददगार साबित होगा। VUCPL के बाकी मॉड्यूल्स के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारी स्क्रीन पर नज़र आने वाली ईमेल एड्रेस पर रابطہ कर सकते हैं, और इसके अलावा अपनी राय देने के लिए भी आप यही ईमेल एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं।